आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर, और मेरे साथ है लॉगी। कैसे हो? और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट के अंदर एक कोल रोल प्ले की सीरीज हमने स्टार्ट की, और ये है हमारा 5-स्टार होटल बिल्कुल प्राइवेट आइलैंड के ऊपर। यहाँ पे दूर दूर तक गाइस आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा आइलैंड अपना है। तो शहर की धुआंधार गाड़ियां, पॉपुलेशन, धुएं से बचने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, और आपको बुक कराना है माइनक्राफ्ट की अपनी वेबसाइट पर जाके। तो दिस इज अ 5-स्टार रिजोर्ट लॉगी, क्या कहता है? अच्छा, और मैं यहाँ पे कर्मचारी हूँ और लॉगी मेरे साथ काम कर रहा है। लॉगी, तूने 320 नंबर का जो कमरा था उसके अंदर झाड़ू वगैरह मार दिया? हाँ, मैंने मार दिया था उस वक्त। यस, गुड, क्योंकि कल नहीं नेक्स्ट 2 एपिसोड बाद हमारे यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, और ये बंदा वो बालकनी के अंदर, उसको यार तुम शर्मा जी, उनको तूने दूध देना था, तूने उसको दूध दे दिया? मैंने उसके दरवाजे के डोर के पास रख दिया था, आई थिंक किसी और ने उठा दिया। नो वे, एक काम कर, रिसेप्शन के पास है, देखते रिसेप्शन के पास सब कुछ ठीक चल रहा है ना। हे मिश्रा जी, कैसे हो? नहीं वो, अबे वो शीतल की बिल्ली है, तेरे को पकड़ लेगी, उसको दूध दियो टाइम पे। और ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, और कमरा नंबर 220 के अंदर उसके अंदर वो साबुन खत्म होकर रख के आना, ठीक है? तेरे को मैं रख लूंगा। ओके गुड, तो गाइस ये है हमारा होटल, तो ये है हमारी मेन रिसेप्शन। यहाँ पे हर एक कमरे की चाबियां यहाँ पड़ी होती है, मुझे वैसे ऐसे नहीं आना चाहिए था, हम रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें यहाँ से इंसानों की तरह यहाँ पे घुसना है। तो लीजिए इन डब्बों के अंदर सारे कमरों की चाबीज हैं। आपने वो मैकेनिक को फोन कर दिया था, यहाँ पे हमारी लिफ्ट वो अंदर वो हमारे फंस गया है अंदर। सॉरी, अबे लिफ्ट नहीं हिल रही है, एक मिनट। अरे वो वर्मा जी है भाई, अरे वर्मा जी लिफ्ट खराब है अपनी, लिफ्ट खराब है। आई थिंक उन्होंने खराब, लगता है उन्होंने गलत बटन दबा दिया। उनको मैंने बोला भी था कि लिफ्ट खराब है, लिफ्ट चलती ही नहीं है। 3 दिन से मैंने कस्टमर ये मैकेनिक को बुला के रखा है, ये एक मैकेनिक भी नहीं आया। अरे गाइज, आप लोग तो ठीक हो ना? यहाँ पे कोई परेशानी हो तो मेरे को बताना, हम वहीं उसी समय सॉर्ट आउट कर देंगे। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ अपने मस्त वाले रेस्टोरेंट के अंदर, मुझे थोड़ा बहुत देख रेख करनी है, और देखना है कि परसों जो हमारा जो फंक्शन होने वाला है, जो हमारे पर्सनल प्राइवेट गेस्ट आने वाले हैं, उनकी लुक आफ्टर में कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। और तकरीबन 70% होटल जो है उन्होंने ऑलरेडी बुक कर लिया, तो जो कस्टमर यहाँ पे ऑलरेडी थे उनको हमने भगा दिया। और ये कस्टमर इन्होंने गाइस ऑलरेडी बुक करके रखा था, तो हमें भगा नहीं सकते। क्या बात है? हाँ, क्या वहाँ पे जब मैं आ रहा था ना नीचे, वहाँ पे एक ब्लॉक वहाँ पे टूटा हुआ था। कोई बात नहीं, उसको ज़रा ठीक करना है, ताकि कोई ऊपर से नीचे ना गिर जाए। हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो ना? बिल्कुल मस्त। तो गाइस ये है हमारा रिजोर्ट बिल्कुल पहाड़ों के अंदर, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, और जिसने होटल बुक किया है वही बंदा आएगा, ठीक है? और कोई भी नहीं आ सकता। अरे लॉगी यार, स्विमिंग पूल के अंदर यार बहुत गंद मच गया, मैं सफाई भी नहीं की मैन। चलो हाँ, मैं देख रहा हूं, मैं सामने से देख रहा हूँ। अरे यहाँ पर चलो, अच्छा है यहाँ पर तो गाइस 3-4 महीने से कोई स्विमिंग पूल किसी ने यूज नहीं किया, तो सीजन नहीं था ना, तो बहुत टाइम से किसी ने स्विमिंग पूल यूज नहीं किया, तो उसी कारण यहाँ पे बहुत सारी जो जंगली मछलियां होती हैं वो वहां पे आ गई थी। और ये रहा हमारा बीच बार, और यहाँ पे आपको हर एक प्रकार के ड्रिंक्स यहाँ हम ब्रू करके आपको बुला सकते हैं। ऑल इंक्लूसिव है, ऑल इंक्लूसिव होटल है, खाना पीना रहना सहना ड्रिंक बार जू सब कुछ होटल के अंदर इंक्लूड है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी राइड आपके लिए अवेलेबल है ऑन रिक्वेस्ट, बिल्कुल ऑन रिक्वेस्ट आपके लिए हेलीकॉप्टर की राइड अवेलेबल हो सकती है। तो चलिए एक काम करते हैं लॉगी, मुझे बीच के पास जाना है, मुझे अपना बीच बार देखना है कि क्या हमारा बीच बार रेडी है कि नहीं है। कम ऑन लॉगी, चलो वहाँ जल्दी से जाके देख लेते हैं। तो लीजिए गाइस ये है हमारा बीच बार, और बाप रे ऑलरेडी इतनी सारी रौनक यहाँ पे लगी हुई है। ये कौन आ रहा है? कौन? ओबे, यो ये कौन है? दिस इज ग्रैनी। अबे यार, ये ग्रैनी यहाँ पे कैसे आ चुकी है? इसकी तो बुकिंग भी यहाँ पे नहीं है। hey, ग्रैनी, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, राइट? आपकी बुकिंग यहाँ पे नहीं है, प्लीज अपना नाम बताइए। ऑब्वियसली इसका नाम ग्रैनी है। अबे कितनी गुस्से में है। ग्रैनी, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। देख लीजिए आपकी छोटी छोटी किश्तियाँ। लॉगी यार, ये बीच के ऊपर बहुत गर्म मच चुके हैं, इनकी किश्तियाँ उठा ले, मैं दूसरी वाली भी उठा लेता हूँ, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, ग्रैनी आपकी किश्तियाँ हमारे पास सेफ है। ओके लॉगी, जरा अपना रिकॉर्ड चेक करियो, ग्रैनी की बुकिंग है कि यहाँ पे नहीं है? ग्रैनी अभी नहीं, अभी आपने पेमेंट ये फूल कर रहे हैं मेरे को। चलो फूल मैं आपसे ले लेता हूँ, थैंक यू आप ग्रैनी, बहुत अच्छे आपने हमें फूल देने की कोशिश की। मुक्का मत मार, ग्रैनी में मारने की कोशिश कर रही है ग्रैनी, ये आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। एफ दबाइए और क्यू दबाइए, फिर आप फूल फेंक सकते हो। मुझे लग रहा है ग्रैनी फ्रेंडली वाली ग्रैनी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में हम कर लेंगे फूल, बाद में आपको दे देना, हमें दे देना, कोई बात नहीं, हमें फूल देने की जरूरत नहीं। ओए किश्ती, थैंक यू ग्रैनी, आपने मुझे किश्ती पता नहीं क्यों दी, लेकिन फिर से ले लेते हैं। राइट ग्रैनी, रात होने वाली है,
चलो मैं आपकी बुकिंग चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी होटल के अंदर बुकिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको हमारे क्वार्टर्स में ठहरना पड़ेगा, और हमारे क्वार्टर्स इतने बुरे नहीं है भाई, लोगी मैं तेरे को कह रहा हूँ हमारे क्वार्टर्स इतने बुरे नहीं है, आप हमारे पीछे पीछे आना ग्रानी पीछे, और किसी को तंग नहीं करना अपने, ये आपका वो मिक्की माउस वाला घर नहीं है जहाँ पे आप डंडे से सबको मारते फिरोगे। ओके ओके, तू क्या बकवास कर, ग्रानी के पास में बात कर रहा है, और इनके पास बहुत बड़ा बेसबॉल बैट है, रुको ग्रानी मुझे आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी, क्या आपके पास बेसबॉल बैट तो नहीं है, क्या आप बेसबॉल बैट लेके घूम रहे हो? नहीं घूम रहे, इतने शरीफ हूं, मेटल डिटेक्टर होगा। हाँ हाँ ठीक है समझ गए, वैसे यहाँ की ग्रानी लगता हॉलीडे पर आई है, ये हमारा गार्ड है, ये सर्च करेगा। हाँ हाँ नहीं सही का यार, हमने देख लिया गार्ड को क्या तंग करना यार, वैसे ग्रानी मुझे लग रहा है कि अपनी भूतिया दुनिया से तंग आ चुकी है, तो ऑब्वियसली लगता है उसने भी माइनक्राफ्ट की वेबसाइट पर जाकर हमारा रिजोर्ट बुक करवाया होगा। इसको पहले एक अच्छा सा रूम देते हैं, नहीं पहले चेक करने दे इनकी बुकिंग है कि नहीं है, यहाँ पे बुकिंग है ना कि ऐसे ही आ रहे हो, और मामा बुकिंग है कि नहीं है? अच्छा है तो हमें अपना रिकॉर्ड चेक करने पड़ेगा ऑब्वियसली। ओके तो ग्रानी आप हमारे पीछे आइए, किसी को तंग नहीं करना, और ये आपकी मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आपकी ये वो ग्रानी वाली दुनिया नहीं है जहाँ पे आप बेसबॉल बैट से सबको मारते फिरते हो, ये हमारी दुनिया है माइनक्राफ्ट की, और ये है हमारा 5-स्टार रिजोर्ट। ओके लॉगी जरा रिसेप्शन के पीछे जाके बुकिंग चेक करिए और देखिए उनके पास बुकिंग है कि नहीं है। तो ग्रानी आपने यहीं पे रुकना है और कोई हलचल नहीं करनी, मैं अपनी तलवार से आपको शांत करने की कोशिश करूंगा, अगर किसी ने कुछ की मैंने घुसेड़ दी तलवार पीछे से अंदर आपके, समझ रहे हो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड चेक कर, तू कौन सा बिल गेट्स को फोन कर रहा है, विंडोज इंस्टॉल कर रहा लैपटॉप के ऊपर, यहाँ पे ग्रानी नाम का कोई लिखा तो है। अच्छा ग्रानी की बुकिंग है, ओके तो ग्रानी आप आ चुके हो, आपकी बुकिंग भी है, कमरा नंबर कौन सा ग्रानी का, जरा चेक करियो कमरा नंबर ग्रानी का, कमरा नंबर है 96, कमरा नंबर 96 तो एकदम बुक हो चुका है यार, उसको तो यार वर्मा जी ले चुके हैं कमरा नंबर 96 मैन। चलिए ग्रानी आपको मुझे 5 डायमंड्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो प्लीज मुझे 5 डायमंड्स चाहिए, हाँ 5 डायमंड्स मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके ये चार्जेस लगेंगे बिना पूछे आप आइलैंड के ऊपर आए, वैसे गलती हमारी है लेकिन फिर भी आपसे हम चार्ज ले रहे हैं बिकॉज वी आर नाइस। कितने डायमंड्स दिए हैं ग्रानी ने? चार, और अभी एक और डायमंड चाहिए, थैंक यू ग्रानी सो मच। तो चलिए आपको मैं अब आ चुके हो, इतनी दूर से आया ग्रानी, प्लीज कुछ हाई फाई कमरा, हमारे सारे बुक्ड हैं 5-स्टार। उससे पहले को पूछते हैं कि आपको इतनी लंबे लंबे रास्ते से आए तो भूख मुख लगी? ओ ये ग्रानी मैं सॉरी मैं भूख बोलना भूल गया, मैं आपको वैसे 5-स्टार ट्रीटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आपका कमरा भी यहाँ पे बुक है। ओके ग्रानी आपको भूख वगैरह कुछ लगी है कि नहीं लगी है? लगी है तो एक काम करता है, सबसे पहले अपने ग्रैनी को ये रेस्टोरेंट के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे बिठा के, वैसे अभी तो बहुत रात हो चुकी है ग्रैनी जी आप देख रहे हो, और सारे हमारे जो शेफ हैं वो सारे भाग चुके हैं, बटर नहीं मेरे पास पोर्क चॉप्स वगैरह है, लॉगी काउंटर के पीछे देखियो शायद कुछ ना कुछ खाना पीना शायद पड़ा होगा, काउंटर के यहाँ से जाते हैं लॉगी, ठीक है ओके तो जरा तमीज दिखाइए, काउंटर से 5-स्टार होटल है जरा तमीज दिखानी है। ओके ओके कुछ पड़ा है खाने पीने के लिए? एक मिनट मैं अटक गया यहाँ पे। ओके तो लीजिए ग्रैनी आप फिलहाल कुछ तो कुछ पोर्क चॉप्स वगैरह हमारे पास हैं, पीछे से लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है तो ये खाइए आप, और तो आज के लिए इतना काफी है, सुबह उठ के आपको मस्त नाश्ता दिया जाएगा, आई थिंक आपका एक रात का स्टे है, तो चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ, और उसके बाद हमें भी थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करनी है, उसके बाद सोना है, और सुबह हम आपको अपनी आपकी बोट तक छोड़ देंगे। ओके लेट्स गो। तो ग्रानी का कमरा किस तरफ है यार? मैं जैसे मैंने बताया गाइस के सारे 5-स्टार होटल के जो लग्जूरियस रूम्स हैं वो सारे बुक हो चुके हैं, लेकिन एक काम करता हूँ, पहले माले पर एक बुकिंग जो है कैंसिल हो चुकी थी, ऊपर जाना ओके, पहले नहीं दूसरे माले पर एक बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी, तो उनके कमरे में मैं उनको ग्रानी जी को डाल देता हूँ, आई होप कि वो माइंड नहीं करेंगे, ये कमरा ऑलरेडी बुक है, यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ था मैं बोल रहा था। हाँ कोई बात नहीं, ये रिपेयर कर देंगे, आ जाइए ग्रानी साइड से आना, इस साइड से, अबे नहीं बोलते कस्टमर्स को। ओके लॉगी हाँ जी आ जाइए इस तरफ ग्रानी जी, तो आपका कमरा इस तरफ है, ऑब्वियसली आपके स्टैंडर्ड्स मतलब कि बहुत हाई हैं, लेकिन हमारे पास इतना हाई स्टैंडर्ड कमरा नहीं है, लेकिन ये छोटा सा कमरा आपके लिए हमने खाली करके रखा हुआ है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, ग्रानी जी आप अंदर आइए प्लीज। ओके तो ये है आपका कमरा, बिल्कुल आपके लिए एकदम परफेक्ट है, तो ये है यहाँ पे आपका एक छोटा सा बेडरूम, और ये आपका फ्रिज भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपने कुछ ठंडा गर्म रिसेप्शन से मंगवाना तो आपके लिए हम लेके आ जाएंगे। लॉगी इनके बक्से में थोड़ा बहुत खाना पीना डाल दे तो रात को उठ के खा सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी चाय बनाने की मशीन, ठीक है, और ये मस्त वाला पहाड़ी व्यू आपका है, तो आप जितना मर्जी चाहे इस व्यू को इंजॉय कीजिए, और यहाँ लेफ्ट में बाथरूम है, यस ग्रानी जी बाथरूम, अगर आपको साफ करके नए टिश्यू रख के, हाँ बिल्कुल नए टिश्यू यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके लॉगी बाहर आ जाए, ग्रानी को जाने दे, बूढ़े लोग हैं तो थोड़ी बहुत इमरजेंसी हो जाती है, ओके बुजुर्ग लोग हैं।
ओके आ जाइए। और ये आपकी अलमारी, अगर आपके पास कोई सूटकेस है तो आप यहाँ अलमारी के अंदर सारे कपड़े वगैरह ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रानी जी, आप यहाँ पे आराम कीजिए, बहुत थके होंगे, तो मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। ओह ग्रानी जी हमें टिप दे रही है, अरे थैंक यू, एक और लॉगी के लिए। अरे ग्रानी हमें टिप दे रही है, थैंक यू ग्रानी, कल सुबह आपको मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ग्रानी के सोने का टाइम हो चुका है। भाई ग्रानी लॉगी, तेरे को पता है ग्रानी का कमरा ऑब्वियसली होटल में था कि नहीं था? मैं शोर था यार, लिखा तो था। तूने सही तरीके से रिकॉर्ड चेक किया कि नहीं किया? आप भी चेक कर दो, मैंने तो नाम देखा था। ओके लेकिन मुझे पता नहीं ये ग्रानी है या कोई और ग्रानी का नाम है। अब दुनिया की ग्रानी होती है। तो चलिए लॉगी हम भी सो जाते हैं अपने छोटे मोटे क्वार्टर्स के अंदर और सुबह ग्रानी को मिलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग, सब कुछ ठीक चल रहा है लॉगी? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैं हाँ बिल्कुल सब। यार वो शर्मा जी को सुबह 6 बजे अखबार चाहिए होता है, तूने दे दिया उसको? हाँ मैंने दे दिया था उस वक्त, ठीक है। और अबे इनकी बिल्ली को दूध दिया तूने? ओ माय गॉड, इनकी बिल्ली को हमने दूध नहीं दिया, शिट वो भड़क जाएगा। ओके तुमको छोड़ते हैं, इनसे बाद में लिपटेंगे बिल्ली को। और थोड़ी डिलीवरी भी आने वाली है खाने पीने की, और हमारे रेस्टोरेंट का स्टाफ भी मेरे को सेट करना है। और सबसे पहले ग्रानी को देखते हैं। लॉगी आजा, कम ऑन, लेट्स गेट ग्रानी सॉर्टेड। और तू अपने ग्रानी की किश्ती रेडी कर ले क्योंकि उनके जाने का टाइम हो चुका है। आपके पास थी ना? लॉगी तो एक काम कर, तू ऊपर मत आ, तू नीचे जाकर रिकॉर्ड चेक कर, ग्रानी का रिकॉर्ड एकदम सही तो है ना? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ घपला करके ये 2 नंबरी माल दे के बुक करा के लेके आई है, क्योंकि मैं उनका ग्रानी का रिकॉर्ड ढूंढ नहीं पा रहा। कहाँ गई ग्रानी? ग्रानी हे है ग्रानी का? ओए मुझे अच्छा बाथरूम गई थी, सॉरी मुझे नॉक करके आना चाहिए था, ऑफ कोर्स सॉरी ग्रानी, कम ऑन आ जाइए बाहर आ जाइए। सॉरी ग्रानी, आई एम रियली सॉरी, तो मुझे मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ऑब्वियसली नॉक करके आना चाहिए था, सॉरी। ओके लेट्स गो। तो चलिए ग्रानी जी, आपको मैं जहाँ से आप किश्ती के जरिए से आए थे तो मैं आपको किश्ती के वहाँ तक छोड़ लेता हूँ, डेपो तक। और बस आपकी बुकिंग एक रात की थी तो मैं आपको वापस वहीं पे छोड़ देता हूँ। तो गाइस होटल में आने के बहुत सारे तरीके हैं, आप प्लेन से भी आ सकते हैं, किश्ती से भी आ सकते हैं, जहाज से भी आ सकते हैं। चेकआउट भी तो करना है। ओ ये सॉरी मैं तो भूल गया ग्रानी, आपको यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे इस कागज के ऊपर, तो आपने चेकआउट कर देना यहाँ पे। कर दिया? हाँ कर दिया। ओह थैंक यू ग्रानी, कम ऑन लेट्स गो। और सामान वगैरह कुछ साथ में लेके नहीं आए क्या? सामान तो आई थिंक इनके पास था, आई थिंक मैंने उसकी बोट में रख दिया था उस वक्त। ओके वैसे लोग इधर कमरा चेक करके आए, कुछ चोरी नहीं कर ले इसने? कुछ भरोसा नहीं है ग्रानी का यार, फटाफट जाके चेक करके आ। ओके मैं तेरे से वॉकी टॉकी में बात कर रहा हूँ लोगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, आजा ग्रानी। तो चलिए आपकी 3 बोट्स मेरे पास हैं, तो मैं यही 3 बोट पानी के अंदर रख लेता हूँ। वैसे बोट तो आपको एक ही चाहिए। वैसे लोगे सब ठीक है ना? बस मैं जल्दी से मैं रूम अच्छा कमरे की तरफ पहुंचा भी नहीं। ओके तो जब तक लॉगी मेरे को कंफर्मेशन नहीं देता मैं ग्रानी को जाने नहीं दूंगा। मैं एक बार फिर से तलवार निकाल लेता हूँ, जरा सी छान पट्टी की तो मैंने बुड्ढे की खोपड़ी खोल देनी है, आई मीन कस्टमर जी की कॉफी खोपड़ी खोल देनी है। मैं खोपड़ी की बात नहीं कर रहा, आपने उम्मीद है सुना नहीं होगा मैंने जो कहा, आई एम सॉरी वंस अगेन। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 3 बोट्स हैं, मैं एक ही बोट ग्रानी को दूंगा। और ग्रानी आपको कैसा लगा हमारा स्टे? एकदम मस्त था ना? बिल्कुल 5-स्टार होटल है। आप ये इतना मोहम्मत हिलाइए आपके गर्दन में मोच हो जाएगी तो लेने के देने पड़ते हैं। रूम के अंदर सब ठीक है, मस्त था ना लॉगी? वो हमारी वो दारू की बोतलें, वो जो फ्रिज के अंदर जो चीजें पड़ी थी वो सब ठीक है ना? सब पड़ा है। ओके तो अभी तू कंप्यूटर पर जाकर ना लॉगी ग्रानी को साइन आउट कर दे, ठीक है? तो ग्रानी का जो रिकॉर्ड एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लीजिए ग्रानी जी आपकी बोट और आप जहाँ से जा सकते हैं। और थैंक यू आपने स्टे किया हमारे होटल में, 5-स्टार होटल प्राइवेट बीच के ऊपर, तो उम्मीद है आप फिर भी आएंगे। चलिए आप क्या कर रहे हो या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्रानी। थैंक यू फॉर द एक्स्ट्रा टिप, क्या बात है, थैंक यू ग्रानी, ये क्या बात है। और मेरा जो कॉलीग है उसके लिए भी कुछ, छोटे छोटे बच्चे उसके लिए, थैंक यू। तो चलिए इतना काफी है, हम ज्यादा हमें बिगाड़ना नहीं है। ओके ग्रानी बाय बाय। वो जा रही है, हाँ ठीक है जा रही है। ओ भाई बहुत स्केरी यार कस्टमर था लॉगी, क्या कर रहा है तू? मैं बस आ रहा हूँ। सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक। ओ माय गॉड इतना स्केरी कस्टमर भाई, इसकी बुकिंग थी कि ऐसी आ गई है? बुकिंग तो थी। ओके फिर ठीक है, बुकिंग होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे बॉस जी शायद थोड़े बहुत ट्रबल में हमें डाल सकते हैं। तो चलिए गाइस ये था हमारा सबसे पहला एपिसोड हमारे 5-स्टार होटल के रिजोर्ट का, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।